हेलो एंड कैसे हो आप सब। तो जैसे आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक साथ फैट लॉस और मसल गेन कैसे करें, मतलब बॉडी रिकॉम्पोजिशन कैसे करें। पर उससे पहले जान लेते हैं कि रिसर्च के अकॉर्डिंग बॉडी रिकॉम्पोजिशन किस किस केस में पॉसिबल है। बॉडी रिकॉम्पोजिशन इन चार केस में पॉसिबल है। नंबर वन, एक बिगनर इजली बॉडी रिकॉम्पोजिशन पर आ सकता है। नंबर टू, एक ओबीस इंसान जो 25% बॉडी फैट के ऊपर है वो बॉडी रिकम्पोजिशन पर आ सकता है। नंबर थ्री, वो जो किसी भी रीज़न से जिम से ब्रेक लेता है जैसे पढ़ाई या कोई इंजरी के कारण, तो वो इजली बॉडी रिकम्पोजिशन पर आ सकता है। नंबर फोर, जो स्टेरॉइड्स यूज़ करता है, ऑब्वियसली स्टेरॉइड्स यूज़ करने से सब ईजी हो जाता है। अब बात करते हैं कि बॉडी रिकम्पोजिशन का प्रोसेस क्या है। अब जैसे कि हम जानते हैं, बॉडी रिकम्पोजिशन में फैट लॉस के साथ साथ मसल गेन होती है। तो जब ये दो प्रोसेस साथ हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उतना मसल गेन नहीं कर पाएंगे जितना बल्किंग के टाइम कर पाएंगे। हैंड एक एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आप स्किनी हैं तो आप बल्किंग करके मसल गेन करें। ऑब्वियसली फैट भी आएगा बल्किंग करने से, बट आप अच्छी खासी मसल गेन कर पाएंगे। और जब आपको लगे कि आप टाइम है थोड़ा लीन होने का, तो बॉडी रिकम्पोजिशन को स्टार्ट कर दें। अब कितनी कैलरी खानी है वो समझ लेते हैं। एज वी ऑल नो, बल्किंग में हम मेंटेनेंस से 200 से 300 कैलरी के सरप्लस पर खाते हैं और फैट लॉस में 200 से 300 के डेफिसिट पर। तो इसका मतलब हमें बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए मेंटेनेंस कैलरी से या तो 100 कैलरी के डेफिसिट पर रहना है या 100 कैलरी के सरप्लस पर। नेक्स्ट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है हमारा डेली प्रोटीन इनटेक। अब प्रोटीन इनटेक कितना होना चाहिए, मैं आपको अपने एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मेरा वेट 75 किलो है, तो मुझे 75 × 2.2 मतलब 165 ग्राम प्रोटीन डेली लेना है। और जैसे जैसे मैं लीन होते जाऊंगा, मैं अपना डेली प्रोटीन इंटेक बढ़ाते जाऊंगा। हैंस आपको बस अपनी डेली कैलरीज और डेली प्रोटीन को गोल बनाकर उसे हिट करना है, एंड आपका 80% वर्क हो गया कंप्लीट। बाकी का बचा 20% स्लीप और आपकी एक्सरसाइज होगा। स्लीप तो आपको भी पता है मिनिमम 8 घंटे की होनी चाहिए। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं कि पुश पुल लेग या ब्रो स्प्लिट। जैसे कि मेरी पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि पुश पुल लेग स्प्लिट से ज़्यादा इंटेंसिटी मिलती है जिससे ज़्यादा मसल ग्रोथ होता है। सो आपको हफ्ते में एक मसल को एटलीस्ट 2 बार ट्रेन करने का ट्राई करना चाहिए। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि हम मेंटेनेंस कैलरी के अराउंड खा रहे हैं तो वेट थोड़ा बहुत कम होगा, बट आपकी बॉडी का फैट कम होते जाएगा और आप लीन होते जाएंगे। आज इस वीडियो में हमने कैलरीज, स्लीप और एक्सरसाइज के बारे में बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 फूड के बारे में बताऊंगा जो आपको बॉडी रिकम्पोजिशन में हेल्प करेंगे और आपका फैट कम करने में मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर देना।